सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब देखो क्या वर्ब बी वर्ब है, बी वर्ब है तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, डू वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या लेगा, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं। फिर पोजीशन के बाद क्या आया है, ठीक है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, व्हाट को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, यही सारा चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। डैट डैट 70 शो, अब देखो 70 के दशक का शो देखते हैं, ठीक है। ऑन के बाद देखिए बीफोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। इन नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलेंगे नाउन पे, तो नाउन कौन, ये नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो यही नाउन हो जाएगा ना, यही। अब बोलेंगे मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन। ऑन किस पे लगाया है, इम्पोर्ट, किस पे लगा है, इम्पोर्ट पे, जो कुछ बाहर से सामान जो लगाते हैं उस पर, प्रतिबंध इंडिया का प्रतिबंध पे, इम्पोर्ट किस पे है, ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप का, लैपटॉप पीसी टैबलेट से सर्वर्स ये सब के इम्पोर्ट पर, यही हो जाएगा ना। चलो द आर्टिकल आया तो 100% क्या होगा, नाउन कहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ पे फॉर है इसीलिए नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस इम्पोर्ट्स, ठीक है, नाउन का पोसेशन फिर से देख लो, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ड, ठीक है। अब ये इम्पोर्ट्स के लिए, अब चूंकि प्लुरल है इसीलिए क्या लगा दिया, एस, यहाँ पे एस लगाया है और यहाँ पे ये एस हट जाता है, जब प्लुरल हो तो केवल ये वाला, जैसे कहते हैं बॉय, बॉयज हॉस्टल होता है, ठीक है, ये नहीं कहेंगे बॉयज हॉस्टल, ऐसा नहीं, तो प्लुरल है इसीलिए केवल एपोस्ट्रॉफी लगाया है, एस नहीं लगाया है, ठीक है, ठीक। इम्पोर्ट्स मेन वर्ड कौन हो जाएगा, पोसेशन है तो यही हो जाएगा, चूंकि फोर्स से जुड़ा हुआ है। डेंट्स, अब ये चलो ये वर्ब किसके लिए आया, तो ये हो गया आपका पूरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं है, तो रिजीम किसके लिए, तो इसके डेंट्स मतलब खराब करता है, तो किसको खराब करता है, इंडिया को कि क्रेडिबिलिटी को, तो बोलेंगे क्रेडिबिलिटी। मेन वर्ड कौन है, विश्वसनीय, क्रेडिबिलिटी को खराब करता है, इंडिया के क्रेडिबिलिटी को खराब करता है, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, विश्वसनीयता, ठीक है, थोड़ा बोलने में क्या है प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आप देखिए, अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो पहले कीजिएगा, खुद से पढ़ के देखिए, जैसे जहां जहां फुल स्टॉप लगा हो वहाँ पे आपको क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको खुद देखना है कि इधर सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब आया है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे जेरंड जोड़ा, कहाँ पे इन्फिनिटिव जोड़ा, ठीक है, कहाँ पे कंजंक्शन लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, क्या प्रीपोजिशन लगाया, ये काम पहले आपको खुद से करना है, ठीक है। मेकिंग, ठीक है, अब बनाना, तो क्या बनाना, ए सडन एंड शार्प शिफ्ट, अब ये नाउन कौन, तो चूंकि प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया एडजेक्टिव, दोनों को जोड़ दिया किससे, एंड कंजंक्शन से, आर्टिकल आया तो किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। तो सडन अचानक, अनसार्फ बहुत तेज, शिफ्ट बदलाव, ठीक है, बनाना क्या बनाना, बदलाव, कैसा बदलाव है, एकदम अचानक से आया बदलाव। इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी ट्रेड, मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर ये पॉलिसी है, कैसा पॉलिसी है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव है आप दे सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद क्या है, एडवर्ब दे सकते हैं। चलो चलिए, हाँ, किस पे, पॉलिसी पे, इन, इन के बाद देखो क्या बिफोर आया, नहीं, प्रोनाउन आया, नहीं, तो 100% नाउन। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कौन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, अब ये हो गया आपका क्या, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो बोलेंगे है,
तो इसका कोई डूअर होगा, कौन है डूअर? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ऑन अगस्त डेट दिया हो तो इस तरह से लिखेंगे, अगर डेट ना रहता तो इन अगस्त लिख देते। नोटिफाइड, अब यही ना इंडस्ट्री क्या किया, नोटिफाइड, ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं, नोटिफाई किया, ठीक है, सूचित किया, क्या सूचित किया, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, प्रतिबंध। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये किसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे नाउन है, तो ऑब्जेक्ट को ये सूचित किया। ऑन इम्पोर्ट्स, किस पे, इम्पोर्ट पर। ऑफ लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट एंड सर्वर, किस पे, रिस्ट्रिक्शन को सूचित किया, मतलब उस पे लगाने वाले हैं, तो इम्पोर्ट पर, किस पे इम्पोर्ट पर, तो लैपटॉप। मेकिंग, अब मेकिंग क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। इट कंपल्सरी, मतलब इसे बनाना, क्या बनाना, कंपल्सरी बनाना। फॉर इम्पोर्टर्स, किसके लिए, इम्पोर्टर्स के लिए। टू सिक्योर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, तो क्या सुरक्षित करने के लिए, तो एक लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो किसका ऑब्जेक्ट, तो सिक्योर इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बात इतना क्लियर। चलो द कर्व्स, ये जो लगाम लगाया गया है, ठीक है, रोक लगाया गया, बेयर टू मतलब होने ही वाला था, किक इन शुरू होने ही वाला था, विद इन इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत शुरू होने वाला था। अब देखो विद के बाद क्या आया तो बोलेंगे नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, तुरंत ही शुरू होने वाला था। रेटलिंग क्या हो जाएगा तो बोलेंगे एडजेक्टिव, मतलब ये हलचल मचा देना, ठीक है। रेटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, किसमें हलचल मचा दिया, इंटायर मतलब हिला कर रख दिया, किसको, तो इंटायर सप्लाई चेन को, सप्लाई करते हैं, लाते हैं, भेजते हैं वो उसको, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, प्रीपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट है, शिपमेंट इन ट्रांजिट, जो आ भी रहे थे ना जहाज से आ रहे थे उनको भी क्या है उस पर भी लगा दिया। एंड, अब चलो क्या हो जाएगा एंड, अब ठीक है, अब ये एंड किसको जोड़ रहा है तो देखेंगे रेटलिंग को इग्नाइटिंग, इग्नाइटिंग मतलब होता है ये बढ़ा देना, ठीक है, भड़का देना, तो क्या भड़का देगा, बढ़ा देगा फियर, ये उसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑफ द शॉर्टेज, किसको, शॉर्टेज के डर को बढ़ा देगा। एंड प्राइस सर्च, और प्राइस के कीमतों को बढ़ा देगा, प्राइस सर्च याद रखना, सर्च मतलब बढ़ोतरी। टू रेटलिंग, अब रेटलिंग ये द इंटायर, अब यहाँ रेटलिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, देख लो ऑब्जेक्ट कौन, इतना बात क्लियर। स्पेशली खासकर, एहेड ऑफ के पहले, द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन के पहले, यही होगा ना, एहेड ऑफ मतलब के पहले, तो फेस्टिवल सीजन के पहले। द के बाद क्या, ऑफ के बाद देखो क्या है तो नाउन, द है तो 100% क्या आएगा नाउन, तो कौन नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, इतना बात हो गया क्लियर। चलो द गवर्नमेंट सॉट, वी टू हो गया, चाह था। टू सजेस्ट, सजेस्ट देने के लिए, ठीक है, सलाह देने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट वर्ब है तो बोलेंगे सर बिल्कुल एक सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, देखो पेपर में इतना नहीं लिखा जाता, ठीक है। दिस वाज ड्राइवन, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे वी थ्री, क्योंकि ये है बी वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया एड वर्ब। दिस वाज प्राइमरी ड्राइवन, चलाया जाएगा बाई सिक्योरिटी कंसर्न, अब इन्होंने इम्पोर्ट पे रोक इसलिए लगाया कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब कि हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा वायरस डाल दे, ये कोई ये खास इंफॉर्मेशन यहाँ से ले ले, स्पेशली चाइना जो ये सब गतिविधि में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, सिक्योरिटी कंसर्न के कारण, सिक्योरिटी चिंताओं के कारण वो गवर्नमेंट ऐसा कदम उठा रही। इम्पोर्टेड डिवाइस, अब ये डिवाइस क्या हो गया, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, इम्पोर्ट किया हुआ डिवाइस। कुड बी यूज, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है भी थी, यूज किया जा सकता है। फॉर सर्वेलेंस, हम लोग पर निगरानी रखने के लिए यूज किया जा सकता है। जस्ट एज, जैसे कि मोबाइल फोन कुड हैव स्पाईवेयर, मोबाइल फोन के पास क्या हो सकता है, कुड के बाद हैव के बाद भी थी या नाउन, यहाँ पे क्या है तो नाउन, ठीक है, तो स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक है, हम लोग पर निगरानी रखने के लिए। दिस वाज रदर
ऑल्सो ए रदर ब्लंट नज। ब्लंट नज मतलब होता है अच्छा कुछ नहीं, ठीक है, खराब है। फॉर आई टी हार्डवेयर प्रोड्यूसर, किसके लिए? आई टी हार्डवेयर प्रोड्यूसर के लिए फॉर के बाद देखो क्या आया है, वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या है नाउन, कौन नाउन है, चूंकि यहाँ पर पोजिशन है तो यही नाउन है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। टू सेटअप, सेटअप करने के लिए, निर्माण करने के लिए, तो क्या निर्माण करने के लिए, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है चूंकि यहाँ पे ये देखिए प्रीपोजिशन है और ये से ये वर्ब है आपका, इन्फिनिटी वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, तो देखो इसमें क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इस तरह से समझते चलेंगे। निर्माण करने के लिए क्या, मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, कहाँ पर, इंडिया में। बाई टैपिंग, बाई टैपिंग मतलब यूज करके, बाय रीडिंग पढ़ के, बाय प्लेइंग खेल के, तो यूज करके। ए प्रोड्यूसर लिंक इनिशिएटिव स्कीम, अब देखो ए आया तो नाउन कहाँ पे, चूंकि यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन शुरू हुआ है तो यही नाउन हो जाएगा, नहीं ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। हुच हैज फाउंड, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना, तो बोलेंगे सर भी थ्री है, जिसने फाया है। फ्यू टेकर, फ्यू मतलब निगेटिव, न के बराबर टेकर, कोई लेने वाला इसे नहीं है, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स पीसी, कंपोनेंट वैल्यू चैन, कांट क्रोप अप ओवरनाइट, मतलब एक रात में अब क्रोप अप वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है मॉडल, मतलब एक रात में ये खत्म नहीं हो सकता। इतना बात क्लियर है कि नहीं, चलो बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चलो सुनो ही। एंड कंसर्न, अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब है एंड के बाद। फ्लेयर्ड अप मतलब उभर उठा आया। अबाउट के बारे में, हाउ दिस मे हिट इंडिया सॉफ्टवेयर आई टी एनेबल सर्विस इम्पोर्ट प्रोवर्स, ठीक है, कौशल, ये प्रो वो वर्ड का मतलब कौशल, कैसे दिस मे हिट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, किसको, तो इंडिया सॉफ्टवेयर, अब मेन वर्ड कौन, यही इंडिया सॉफ्टवेयर यानी पावर्स, यही हो जाएगा ना, इंडिया के सॉफ्टवेयर और आईटी इनेबल सर्विस एक्सपोर्ट प्रोवर्स को कैसे ये क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, ठीक है, इसके बारे में चिंता है। सेंसिंग ए बैकलैश, ठीक है, बैकलैश मतलब क्या है, लोग क्या है भड़क उठेंगे उसको देखते हुए, हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेंस करने वाला कौन है, तो गवर्नमेंट ही है ना। बेंट इनटू डैमेज कंट्रोल मोड, कैसे मोड में गई, डैमेज, थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा डैमेज को कंट्रोल कर लेते हैं। डेफरिंग मतलब ये जैसे अगर 10 को कुछ होने, 10 तारीख को कुछ होने वाला है, उसको डेफर करके 20 तारीख कर दिए, इस महीने को कुछ होने वाला है, तो मतलब समझ लो कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, डेफर डेट को कर देना, क्या कर देना, द कर्व, इस जो लगाम को, ये जो होने वाला था ये अगस्त में, उसको क्या है, तो ये ट्रांजिटिव नेचर, तो ऑब्जेक्ट, टिल नवंबर 1, कब तक, नवंबर वक्त तक है भाई, अपना अपना सही से देख लीजिए। एंड प्रॉमिसिंग, अब ये भी V4 किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे ये डेफरिंग को और प्रॉमिसिंग को, और प्रॉमिस कर रही है क्या, अब जो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन, तो ये हो गया ये एडजेक्टिव। अप्रूवल, एक्सपेडिटियस अप्रूवल मतलब कैसा अप्रूवल है, तो बहुत तेजी से अप्रूव मिलेगा, वो प्रॉमिस कर रही है कि अप्रूवल जो मिलेगा लाइसेंस के लिए बहुत तेजी से। टू द लाइसेंस रिक्वेस्ट, किसके लिए, लाइसेंस रिक्वेस्ट के, अब टू के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर V4 नहीं, टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उसके बाद ये प्रोनाउन नहीं, तो नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। व्हाइल, जबकि मिनिस्टर एसर्टेड, मिनिस्टर ने जोर दिया था, अब देखो यहाँ से एक सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब बीच में क्या होगा कंजंक्शन। दिस वाज नॉट ए रिटर्न, एक रिटर्न नहीं है, वापस जाने की नहीं है, टू लाइसेंस राज एरा, लाइसेंस राज एरा के मतलब ये के वापस चले जाना, लाइसेंस राज एरा में वापस चले जाना ये नहीं है, ठीक है, एरा मतलब युग। इवन इफ, ठीक है, इम्पोर्ट क्या है, ठीक है, इम्पोर्ट लाइसेंस, ठीक है, विल बी इशूड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के ये मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, इशू किया जाएगा इन मिनट्स, ठीक है, तुरंत, ठीक है, एज इंडिकेटेड, जैसे कि दिखाया गया है।
द इंटायर स्पेक्ट्रिकल इज ए हार्क बैक, ठीक है, जो इंटायर जो ये जो पृष्ठभूमि रचा गया है टू द अर्ली डे ऑफ इंडिया आईटी इंडस्ट्री, मतलब अर्ली डे जो पीछे वाला जो दिन होगा उसी को हमको क्या है याद दिलाने वाला होगा, उसी को बताने वाला होगा, ठीक है। इज ए हार्क बैक टू द अर्ली डेज डैट वाज, डैट किसके लिए, इसके लिए डैट वाज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, फ्रीड अप जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, फ्रीड अप हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था थ्रू 1918 के दिनों, ठीक है। एंड इंडस्ट्री प्लेयर आर लाइकली टू रिमेन ऑन एज, रिमेन ऑन एज मतलब होगा कि वो क्या है चिंतित होंगे टिल द लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बिकम्स क्लियर, कब तक, जब तक कि लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है क्लियर ना हो जाए, टिल, अब देखो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया देखो हमेशा प्लुरल होता है इसीलिए बिकम लिया, बिकम्स नहीं, क्राइटेरियन क्या होता है सिंगुलर, याद रखिएगा, ठीक है। वुड इम्पोर्टर नीड टू जस्टिफाई इम्पोर्ट्स ऑफ कटिंग एज डिवाइस, क्या, ठीक है, क्या इम्पोर्टर को जरूरत है टू जस्टिफाई, सही साबित करने के लिए इम्पोर्ट ऑफ कटिंग एज डिवाइस के इम्पोर्ट को सही साबित करना, ठीक है। कटिंग एज डिवाइस मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस होता है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस के इम्पोर्ट को क्या करना, जस्टिफाई, सही करने की जरूरत है इम्पोर्टर को। और ये सॉफ्टवेयर फॉर्म, एक सॉफ्टवेयर नीड टू सबमिट करना है, ठीक है, क्या करना है सबमिट, प्रूफ, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू हायर्स और फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर, और या तो न्यू हायर्स हो या फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर को क्या करना है प्रूफ को सबमिट करना, के प्रूफ को सबमिट करना, टू सिक्योर, सिक्योर सुरक्षित करने के लिए, तो क्या सुरक्षित करने के लाइसेंस, क्या ये सॉफ्टवेयर फॉर्म नीड टू सबमिट, सॉफ्टवेयर फॉर्म को जरूरत है क्या सबमिट करने की, क्या सबमिट करने, प्रूफ किसका, न्यू हायर्स के प्रूफ को सबमिट करना है या फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर के ये प्रूफ को सबमिट करने की, ठीक है। इफ द पीसी एंड टैबलेट इम्पोर्ट जिसका हुज फॉल, अब किसके लिए, तो इम्पोर्ट्स के लिए फॉल जो गिर चुका है ऑलमोस्ट 28% इन 22-23 टू इतना बिलियन हो गया है आर, अब ये देखो ये पोजीशन किसका था, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का था, तो इसको भी वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या मिल गया आर, कॉजिंग, अब क्या उत्पन्न कर रहा है सिक्योरिटी फियर, ठीक है, क्या उत्पन्न कर रहा है, तो बोलेंगे ये सिक्योरिटी भय उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैनी कम फ्रॉम चाइना, क्योंकि बहुत सारे जो आते हैं चाइना से आते हैं और चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट कैन मैंडेट, अब जो गवर्नमेंट क्या करेगा, आप बताओ मैंडेट वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो ये मैंडेट कर देगा, मैंडेटरी है, जरूरी है। टेस्टिंग नॉर्म, क्या मैंडेट है, टेस्टिंग नॉर्म, नॉर्म जो रूल होंगे, टेस्टिंग नॉर्म टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्या वेरीफाई करने के लिए, तो शिपमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो शिपमेंट वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगा, क्या मैंडेटरी कर देगा, तो टेस्टिंग नॉर्म्स, ठीक है, मतलब ये चीज़ टेस्ट किया जाएगा तभी शिपमेंट वेरीफाई होगा। इफ द इंटेंट इज, अगर इंटेंट इरादा है इज टू स्पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बढ़ाने के लिए, तो क्या बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अगर इरादा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अब इफ़ है कंजंक्शन तो दो सेंटेंस को क्या कर देगा, जोड़ देगा। इट इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, टू वुली ग्लोबल मेजर्स इन टू कमिटिंग लार्ज आउटलेट एट वर्चुअल गन पॉइंट, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है क्या ग्लोबल मेजर्स को लाना यहाँ पे इन टू कमिटिंग लार्ज आउटलेट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पैसा खर्च करे, ठीक है, एट वर्चुअल गन पॉइंट, मतलब बिना देखे, ठीक है। वेन, अब वेन हो गया कंजंक्शन, तो फिर क्या ले लेगा सब्जेक्ट, वेन दे हैव अदर इजियर टू डू बिजनेस अल्टरनेटिव अराउंड द वर्ल्ड, जब उनके पास क्या है दूसरा अल्टरनेटिव है, दूसरे जगह जा सकते हैं, तो फिर यहाँ इंडिया क्यों आएंगे, ठीक है,
अराउंड द वर्ल्ड, एनी इंक्रीज कोई भी किसी तरह का क्या बढ़ोतरी, इन कॉस्ट और लिमिटेशन, और लिमिटेशन में ऑन डिवाइस ऑप्शन, ऑन के बाद देखो कुड है ना, तो ऑन के बाद ये ठीक है, तो यही एनी इंक्रीज आपका क्या बन जाएगा, बोलेंगे सब्जेक्ट, कुड ऑल्सो इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब होगा कोलेट्रल डैमेज, क्या मतलब होगा उसका, डैमेज होना, ठीक है, डैमेज होना फॉर इंडियाज कंज्यूमर, मेन वर्ड कौन, कंज्यूमर के लिए, तो कौन 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 से देश के कंज्यूमर है, तो बोलेंगे इंडिया के लिए, इम्प्लाई मतलब इसका मतलब होगा कोलेट्रल डैमेज, ठीक है, फॉर मेनी हाउस होल्ड, बहुत सारे हाउस होल्ड, एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, बहुत सारे हाउस होल्ड है और मेनी है, तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल, दो वर्ड को जोड़ा का एंड, तो यहाँ पे एंड लगे, दिस इज नॉट अबाउट क्रॉसिंग डिजिटल डिवाइड, ये नहीं है डिजिटल डिवाइड को क्रॉस करने की बात नहीं है, बट ऑल्सो एक्सेस टू मतलब पहुँच होना गवर्नमेंट सर्विसेज, किसका पहुँच होना, गवर्नमेंट सर्विसेज का, इंक्रीजली गोइंग ऑनलाइन इन ए डिजिटल इंडिया, जो कि क्या है, ऑनलाइन हो रहा है डिजिटल इंडिया में, ठीक है, टेकन टूगेदर एक साथ क्या है, लिया जाए, विथ सम रिसेंट पॉलिसी फ्लो, अब विथ है ना, तो डाउन यहाँ पे ये हो गया, ये तीनों क्या हो गया, एडजेक्टिव, अब रिसेंट फ्लो चाल देखा जाए, पॉलिसी चाल, सच एज 28% GST ऑन गेमिंग बेट, गेमिंग पे जो 28% लगा दिया है वो, द फ्रीज इन प्राइस मतलब उसको जैसे का तैसा क्या छोड़ दिया है, उसको कम कर दिया है, ऑफ डीरेगुलेटेड पेट्रोल प्रोडक्ट्स, डीरेगुलेट ऐसा पेट्रोल प्रोडक्ट जिसको रेगुलेट किया नहीं जाता है, ठीक है, ऐसा पेट्रोल प्रोडक्ट जिसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो फ्रीज कर दिया उसको, एकदम सुन कर दिया, इन द प्राइस, प्राइस में ऑफ डीरेगुलेट किया हुआ पेट्रोल प्रोडक्ट, दिस डेवलपमेंट, अब इस तरह का जो क्या है, दिस डेवलपमेंट मेक्स, ठीक है, बनाता है, क्या बनाता है, फॉर एन ओमिनस फ्लैशबैक, अब ये अशुभ बात, अब फॉर के बाद क्या है, तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव, फॉर एन ओमिनस फ्लैशबैक, अब ये ओमिनस मतलब अशुभ है, ठीक है, अच्छा नहीं है फ्लैशबैक, फॉर इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है, इन्वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज मतलब कब पॉलिसी बदल जाए कोई ठीक नहीं है, एक्सेसिव टैक्सेशन बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देना, एंड ए रिटर्न टू मैक्सिमम गवर्नमेंट, सारा कुछ मैक्सिमम गवर्नमेंट के हाथ में रहना, कैन डिरेल इंडिया रिफॉर्म स्टोरी, अब डिरेल किसको कर देगा, तो ये रिफॉर्म स्टोरी को ना किसका है, तो बोलेंगे इंडिया का, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये एंड से तीनों निगेटिव वर्ड क्या है जुड़ रहे हैं, तीनों क्या है नाउन है और तीनों क्या है एंड से जुड़ा, बट से क्यों नहीं जुड़ा ये आपको बताना है, ठीक है, बात समझ गए, चलो चलिए वर्ड कर लेते हैं आप, ठीक है, आज करेंगे पी वर्ड वाला, ठीक है, चलो 10 वर्ड दे देते हैं,
रहने दीजिए, आज तो शायद नहीं हो पाए।